विश्व संवाद केंद्र के सौजन्य से देवऋषि नारद जयंती समारोह के अवसर पर हमीरपुर के टाउन हॉल में पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला लोक संपर्क अधिकारी विनय शर्मा, मुख्य वक्ता उत्तर क्षेत्र प्रचार प्रमुख अनिल कुमार, कार्यक्रम अध्यक्ष दिनेश कंवर सहित विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सौरभ सूद मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान में पत्रकारिता से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करना था। मुख्य अतिथि जिला लोक संपर्क अधिकारी विनय शर्मा ने कहा कि आज के बदलते दौर में पत्रकारिता का स्वरूप बदलता जा रहा है और व्यावसायिक दौर में पत्रकारिता भी चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा कि आज महर्षि नारद के सिद्धांत और मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन उससे आगे सिद्धांतों के साथ अगर कहीं ना कहीं कुछ कमी है तो वो दर्शन की कमी है। और वो दर्शन हमें कहां से मिलेगा? वो दर्शन हमें मिलेगा नारद को आधार बनाकर, देवऋषि नारद को आधार बनाकर कि उस महापुरुष ने, उस देवऋषि ने किस तरह से इस पत्रकारिता को आगे बढ़ाया था लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए। यह दृष्टिकोण वहां पे हम सोच सकते हैं। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो 80% जो मीडिया हाउसेस हैं, संचार के हमारे पास साधन है, उसमें पश्चिम देशों का आधिपत्य है, 20% हमारे पास है। तो देवऋषि नारद हर सिद्धांत और दर्शन की जो मैं बात कर रहा हूं, जो पहाड़ों के लिए सिद्धांत होगा वो मैदानी इलाकों के लिए नहीं होगा, और जो अगर फॉर्म ब्रिटेन के लिए होगा, अमेरिका के लिए होगा, वो भारत के लिए होगा। भारत को हमें अपने दृष्टिकोण से। वहीं मुख्य वक्ता उत्तर क्षेत्र प्रचार प्रमुख अनिल कुमार ने कहा कि आज महर्षि नारद जयंती के अवसर पर पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है, जो कि एक अत्यंत शुभ दिन है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में राष्ट्र भावना की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत के बारे में अलग प्रकार की संकल्पनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि विचार के विरोध में लिखने से राष्ट्र विरोधी पत्रकार नहीं बन जाता है, बल्कि वे अपनी भावनाएं प्रकट करता है। दिवस, पर्यावरण दिवस, तो ये पत्रकार दिवस है। भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय संदर्भ में अगर विचार करना तो ये एक इस प्रकार का समान दिवस है कि आज के दिन प्रत्येक पत्रकार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। क्यों? क्योंकि वो उस पत्रकारिता की जो संस्कृति समाज के अंदर खड़ी हुई है, समाज जीवन में लोगों ने जो अपना जीवन अपनी साधना के माध्यम से एक दिशा तय की है कि ये है पत्रकारिता, हम उसके वाहक हैं, उसको चलाने वाले हैं, उसको अपने जीवन में अपनाने वाले लोग हैं। इसलिए आज का दिन देवऋषि नारद जयंती का दिन सबके लिए सम्मान का भाव रहे, इस प्रकार का आयोजन। इसलिए समाज केंद्र का कहना है एक राष्ट्रीय भाव का कमी नहीं कह सकते हैं, आइडिया ऑफ भारत का कुछ अलग प्रकार की संकल्पना है, यानी उनके पास डिफरेंट आइडिया ऑफ भारत है, भारत के बारे में कुछ अलग प्रकार की संकल्पना है। इसलिए हमको कई बार लगता है क्या कि शायद वो राष्ट्रीयता से दूर है, शायद वो देश के विरोध में लिखते हैं। ऐसे भी हैं, ऐसे कुछ आंदोलन चल रहे हैं जिसके कई बार जाने अनजाने वो उसका शस्त्र बन जाते हैं, उसका टूल बन जाता है। लेकिन अगर आज किसी ने भी अगर किसी एक विचार के विरोध में लिखा तो इसका मतलब वो विरोधी नहीं हो गया, वो राष्ट्र विरोधी नहीं है, सिर्फ आइडिया ऑफ भारत, भारत के बारे में सोचने का दृष्टिकोण अलग है।